नमस्कार गरिमा, स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अभी के लिए इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री का 105वीं जयंती समारोह आज नवादा के नगर भवन में मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने किया। जयंती समारोह में आए मंत्रियों ने संवाददाताओं सवाल गिरिराज सिंह के द्वारा बेगूसराय के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने की बात कर नीरज कुमार ने कहा कि आरोपियों का आरोप लगाने का अधिकार है। नीतीश कुमार के बारे में देश ही नहीं दुनिया भी मानती है। आपदा से निपटने के लिए देश में कहीं भी व्यवस्था नहीं है। तत्काल आपदा से राहत देने की पहल बिहार में चल रही है। गिरिराज सिंह ने सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं, बिहार सरकार आरोप लगा रहा है बेगूसराय के लिए। कौन क्या बोलते, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में, चाहे वो कोसी की त्रासदी हो या फ्लश फ्लड अभी आया था, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है बिहार के लोगों का। अंतर्राष्ट्रीय नदियों का प्रकोप हमको झेलना पड़ता है। आपदा पीड़ितों पर राज खजाने का सबसे पहला हक है। बेगूसराय जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनकी निगरानी भी कर रहा है। हर व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है, जो किसी की आलोचना कर सकता है, और सबको अधिकार है। हम MLC हैं, हमारे पास एक विवेकाधीन मामला है, हम भी उससे मदद कर सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार सक्षम तरीके से सारे प्रभावित परिवार के प्रति, और इसके लिए किसी के प्रमाण पत्र की हमको जरूरत नहीं है। कोसी की त्रासदी बिहार ने झेला, राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधन से उस कार्य योजना को भी अंजाम पहुंचाया। अभी 3 लाख से ज़्यादा लोगों को एक दिन में RTGS से हमने बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत दिया है, मिथिलांचल से लेकर के कोसी की त्रासदी के इलाके में जहाँ फ्लश फ्लड आया था। इसलिए आपदा पीड़ितों में तो आइकॉन है माननीय नीतीश कुमार जी। माननीय नीतीश कुमार जी को दुनिया इस बात के लिए कबूल करता है कि आपदा पीड़ितों को, समाज के गरीब तबकों का जो बाढ़ प्रभावित हो, सुने थे कहीं पर देश में कहीं चला है आज तक तत्काल सहायता योजना? सूखा में जो हमने तत्काल सहायता योजना पंचायत स्तर पर शुरू किया, उसके भी मानक होते हैं। इसलिए राज्य सरकार खुद संवेदनशील है।